बिहार में गिरते पुल तो खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताएंगे जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह बड़ी अनोखी है। दरअसल पुल के दोनों ओर ना तो कोई सड़क बनी है और ना ही अप्रोच पाथ का काम हुआ है। इसे पार करने के लिए लोगों को सीढ़ी लेकर पुल पर चढ़ना और उतरना पड़ता है। यही वजह है कि ये पुल अब तक चालू नहीं हो पाया। ये किस्सा अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के मजगामा का है। सवाल प्रशासन पर है, ये पुल सहूलियत के बजाय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस पुल का निर्माण परमान नदी पर किया गया है। इस पुल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया, जिस पर 3,43,00,000 रुपए का कुल खर्च लगा है। हैरानी की बात एक और बताते हैं, ये पुल आज का नहीं, इसका काम 2016 में पूरा हो चुका है, पर आज तक इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। सवाल है कि जब पुल के निर्माण के लिए सरकार ने इतने पैसे खर्च किए, तो अप्रोच पाथ और सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पाया। जब ये पुल बना था, ये गांव वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सपना अब तक अधूरा है। गांव वालों को पुल पर सीढ़ी लाकर पार करना पड़ रहा है। ये वीडियो पुल प्रशासन और विभागीय लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। ग्रामीणों का कहना है कि अप्रोच पाथ के जरूरी कागजात 2 साल पहले ही जमा कर दिए गए थे, लेकिन वो अब तक सरकारी दफ्तरों में लटके हुए हैं। ये लापरवाही स्थानीय प्रशासन और विभाग के काम पर बड़ा सवाल उठाती है। कागज पत्र हमसे जो भी मांगा, सारा कागज का कोई कमी नहीं रखा। किसको दिया आपने कागज? जहाँ से शुरू होता है, यानी कार्यालय से विभाग को, जो कि विभाग से शुरू किया जिला तक चले गए। जिला में कागज लिया गया, डीएम अभी जो बोले फरोज बाबू बनाइए, वहीं पहुंचा दिया। अब इस जगह से हमारा शक्ति नहीं चलता कि आगे क्या करें। कब बना ये पुल, कितने साल हो गए? करीब 2 साल से पड़ा हुआ है यहाँ फरोज बनने के लिए। बनने कितना? 8 साल हो गया पुल बने हुए। 8 साल? 8 साल हो गया। अप्रोच के लिए यहाँ पर पहले जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया? नहीं किया था पहले। कब किया है जमीन अधिग्रहण? ये साल भर हुआ तब इसमें निशान लगाया। अच्छा, पुल अभी साल भर निशान लगाने से हुआ, इसको निशान लगाया चला गया, उसके बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ग्रामीणों ने लोकल 18 को बताया कि वो इस पुल के चालू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुल के चालू हो जाने से उनके जीवन में बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें इस पुल पर सीढ़ी लगाकर पार करना पड़ रहा है। फायदा तो यह होगा कि सारे अम्मा आपके सामने बहुत चिलनिया मजगमा देखे करते हैं, ये दोनों जाने आने का रास्ता सुविधा सबको हो जाएगा, और अररिया जाने का, पूर्णिया जाने का, मटियाड़ी जाने का, हटिया जाने का, जहाँ जरूरत पड़ेगा आदमी निकल जाएगा। ऐसे मंगला को घूमना पड़ता है, खाता होकर जाना पड़ता है, तो परेशानी विलम्ब वाली बात होता है ना। जमीन आप लोग देने के लिए तैयार? एकदम तैयार हैं। इस पुल की स्थिति पर ध्यान देने की जिम्मेदारी प्रशासन और विभाग की है। 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पुल का इस्तेमाल शुरू ही नहीं हो पाया। ग्रामीणों की उम्मीद है कि प्रशासन और विभाग जल्द ही समस्या का समाधान निकालेंगे। पुल शुरू होने से न केवल उनकी समस्याएं दूर होंगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। लोकल 18 के लिए अररिया से दिलखुश की रिपोर्ट।